हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 6 कॉन्टीन्यूटी में है जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, जिसमें बेटा मैंने आपको लिबरलाइजेशन के बारे में समझाया था और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका ये एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म कवर कर लिया था लास्ट वाला। आज बेटा जो हमारा कंसेप्ट है वो हम शुरू करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। तो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग है कुछ जो गवर्नमेंट अदारे हैं, जो सरकार के अंडर अदारे हैं, उनको प्राइवेट कर दीजिए। तो प्राइवेटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ऑनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज। तो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लो, यानी कि कुछ प्राइवेट सेक्टर्स होने चाहिए इकोनॉमी में, स्टेट की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे कुछ सेक्टर्स और कुछ सेक्टर्स की मलकियत तो प्राइवेट लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखो, कहना इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी कि इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विदड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप। ये जो गवर्नमेंट मलकियत है उसके विड्रॉल यानी कि उससे बाहर निकालता है फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से। इट मे हैपन इन टू वेज, ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे? आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट अदारे हैं वो प्राइवेट लोगों को बेच दिए जाएं, या फिर सेकंड क्या है, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट की मलकियत ख़त्म कर दिए जाए, जो मतलब कि डिपार्टमेंट्स प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है ना, वहाँ से गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल ही ख़त्म कर दो और उस डिपार्टमेंट को पूरे का पूरा प्राइवेट कर दो। तो ये दो जो हैं मेथड्स हैं, ये दो वेज हैं अगर हमें किसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन लेके आना है, कि या तो अपने गवर्नमेंट पूरे के पूरे गवर्नमेंट अदारों को प्राइवेट कर दीजिए, या फिर जो लिमिटेड हैं उनको बिल्कुल प्राइवेट कर दीजिए। आगे है नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन वॉज फेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs, क्योंकि गवर्नमेंट जो सेक्शन है वो अच्छे से काम नहीं करता था, इसीलिए तो फिर प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, इसलिए प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन लिया गया। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इन दिस रिकार्ड, और इससे रिलेटेड हमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए। नंबर एक है, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग सेकेंड 5-ईयर प्लान। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो सेकेंड 5-ईयर प्लान में शुरू हो गया था, और ये PSU यानी कि पब्लिक जो सेक्टर है उसकी क्या था, उसके लिए एक की रोल था, ठीक है ना, उसके लिए क्या था वो, उसके लिए एक की। तो बेटा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, उनके लिए एक की रोल का काम करता था 5-ईयर प्लान। तो आगे देखो, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन, जो 1956 में इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पॉलिसी बनाई गई वो क्लियरली एंड कैटेगोरिकली स्टेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ PSUs इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो इंडस्ट्रियल की पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की पॉलिसी थी, रिसोल्यूशन की सॉरी पॉलिसी थी, 1956 में बनाई गई थी, वो जो थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थे उनके प्रोसेस और उनके डेवलपमेंट के बारे में बताती थी, कि उन्होंने कौन सी डेवलपमेंट की, कितनी करी, ठीक है। इट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट, ये अभी भी एक डाउट है, दैट इट वॉज थ्रू द स्प्रेड ऑफ PSUs, कि ये पब्लिक सेक्टर के फैलने के कारण है, दैट इंडिया कुड डाइवर्सिफाई इट्स इंडस्ट्रियल बेस बिटवीन द पीरियड्स, कि सरकारी लोगों के कारण ही, सरकार के कारण ही 1951 से 1991 में जो है डाइवर्सिफाई यानी कि विभिन्नता जो है वो मिली। क्या उसी के कारण, मतलब ये एक डाउट तो नहीं है कि गवर्नमेंट के कारण ही हमें विभिन्नता मिली कुछ सेक्टर्स में? तो अगर इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के फैलने के कारण ही इंडियन जो इकोनॉमी थी अंडर वेंट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक खास तरह के स्ट्रक्चर के अंडर पहुंची।
कौन सी स्ट्रक्चर पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, लोगों ने इंडस्ट्री में जाना स्टार्ट कर दिया अपनी जीविका कमाने के लिए। एंड देयर वॉज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया किसी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टर्न्ड इनटू अ सोशल डेट वेट, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, ग्रेजुअली जो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर थे वो सोशल मतलब कि लाइबिलिटी के लिए फेल हो चुके थे, उन्हें बहुत ज़्यादा लोस उठाना पड़ रहा था, तो इसलिए उनके पास पैसा तो था नहीं लगाने के लिए, तो उनको अपना काम कहाँ पे देना पड़ा, प्राइवेट लोगों के हाथ में। लीकेज, पिल्फरेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन, ये सबसे बड़ी समस्याएं थी पब्लिक गवर्नमेंट के लोगों की। ठीक है, तो इस सभी समस्याओं से जूझने के बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि महकमे ही हम प्राइवेट कर दें। अकॉर्डिंगली 1991 के हिसाब से जो गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू फेज आउट पब्लिक एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग इट्स इक्विटी टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो 1991 के बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि क्यों ना हम डिपार्टमेंट्स ही प्राइवेट कर दें और इनको बेच दिया जाए प्राइवेट लोगों के हाथ में, तो इससे क्या आ जाएगा, प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा और बहुत से नए नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो उभर के सामने आएंगे। हाउएवर इस तरीके से इन व्यू ऑफ देयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए नवरत्न्स वर टू रिटेन्ड एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि जैसे मतलब हम बोले ना कुछ जो चुनिंदा इंडस्ट्री थी उनको प्राइवेट के हाथों में नहीं दिया गया, उनको गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखा, बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट कर दिया गया। इंडीड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड देयर फंक्शनल फ्रीडम विद अ व्यू टू इन्हेंसिंग देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या करा, इन सभी चीज़ों को संभाल के रखा और इन सभी चीज़ों को परफॉर्म करने में हेल्प के लिए। ठीक है, समझ में आई आपको बात। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये जो हैं चीज़ें वो वर्क करती हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के ये नीड है कि हमें प्राइवेटाइजेशन की नीड ही क्यों पड़ी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करवाऊँगी इसके गेन और इसके नुकसान के बारे में। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद, थैंक यू बच्चे।